हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स में सदिश विश्लेषण चल रहा है। 2024 को टारगेट में रखते हुए आपको निरंतर वीडियोज लेक्चर दे रहा हूँ। प्ले लिस्ट में आपको और वीडियोज मिल जाएंगे, जा करके प्ले लिस्ट विजिट कर लो। यदि आपको हमारे ऐप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इसका हैंड रिटन नोट चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूंगा, 9685291। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। दो नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, सदिशों के योग के त्रिभुज नियम को समझाइए। इसके परिमाण को निकालने के लिए हमें एक लंबा समय देना पड़ेगा, लेकिन अभी हम दो नंबर में समझेंगे, फिर परिमाण के लिए एक अलग से वीडियो ला दूंगा। ये सदिशों के योग का त्रिभुज नियम ये क्या कहता है बच्चों, यहां पर समझेंगे। सदिशों का योग, पहली बात आप समझो, सदिशों का योग मतलब दो सदिश है तो उनका हम योग करेंगे। शब्द से अर्थ निकालो, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम मतलब सदिशों को जोड़ेंगे और त्रिभुज से हम रिलेट करेंगे, यानी त्रिभुज के साथ संबंध दर्शाएंगे। तो हमने कहा कि भाई योग करेंगे तो कहीं ना कहीं दो सदिश होंगे हमारे पास, तो हमने कहा हमारे पास दो सदिश हैं। जैसे यहां पर हम एक सदिश ले रहे हैं वेक्टर ए, एक हमारे पास सदिश है और दूसरा भी सदिश है। दूसरा सदिश हम कुछ इस प्रकार से बताते हैं भैया कि एक हमारा ये सदिश है, एक हमारा वेक्टर ए है और एक दूसरा वेक्टर बी है। अब इन दो सदिशों को एक ही दिशा में किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के साथ जोड़ दिया जाए। जैसे मैंने कहा कि यदि दो सदिशों को किसी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाओं के साथ, मतलब वो जुड़े हों, त्रिभुज का कोई भी दो भुजा होगा जो आपस में जुड़े हों, उनके साथ जुड़ना है और उनका परिणामी सदिश परिमाण और दिशा में त्रिभुज के तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित करता है। कहने का मतलब ये सदिशों के त्रिभुज मतलब सदिशों के योग का त्रिभुज नियम इतना साधारण है, इतना सरल है कि हमने दो सदिश ले लिया, दो सदिश ले लिया और बीच में कहा इन दोनों को जो प्लस किया, जोड़ा। तो और इसको किस प्रकार से जोड़ा, थोड़ा समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज के दो संलग्न मतलब दो भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा संलग्न मतलब दोनों भुजा जुड़े हों। जैसे मैंने कहा कि एक भुजा इस प्रकार से है, ठीक है, और दूसरी भुजा इस प्रकार से है। दो भुजा संलग्न होने चाहिए ना, जुड़े हैं संलग्न। अब जो पहला सदिश है वो एक भुजा के साथ मैंने दर्शा दिया कि व्यक्त कर दिया, एक सदिश ये हो गया, और दूसरा सदिश है उसी के साथ जुड़े हुए, ये देखो जरा, दूसरे भुजा को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब ये मेरा सदिश ए था, वेक्टर ए था और ये मेरा वेक्टर बी था। देखो क्या बोला कि दो सदिशों को किसी त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में प्रदर्शित किया जाए। संलग्न भुजा त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, संलग्न एक दूसरे को परिमाण और दिशा में एक ही क्रम में, देखो एक ही दिशा में, ये देखो एक ही अनुदिश चल रहे हैं ना, ये देखो, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए इधर गया तो बी नीचे की ओर, ऐसा नहीं है, एक ही दिशा में है। तब इनका जो परिणामी सदिश होगा वो किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, वो त्रिभुज के तीसरे भुजा के द्वारा प्रदर्शित होगा। तो तीसरा भुजा त्रिभुज का ये होगा जो कि इनके विपरीत है, मतलब ये आपका इस क्रम में चल रहा तो इधर चलना चाहिए, तो विपरीत में करेंगे तो विपरीत में इस प्रकार से हो जाएगा, विपरीत होगा ना भाई, क्योंकि देखो जरा ये इधर आपका ये चल रहा फिर बी चल रहा है, इसी दिशा में होता तो नीचे की ओर आता, लेकिन इसके विपरीत है, ये आपका परिणामी बता रहा है त्रिभुज की तीसरी भुजा को। ठीक है, मैं मान के चलता हूं आपका ये त्रिभुज है ओ पी क्यू। देखो सिंपल तरीके से, कहने का मतलब हमने दो सदिश ले ली, दो सदिश ले ली और त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं के साथ एक ही दिशा में, परिमाण और दिशा का एक ही क्रम होना चाहिए, हमने उनको संलग्न कर दिया और संलग्न किया तब इन दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होगा वो त्रिभुज के तीसरे भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। मतलब ये त्रिभुज का तीसरा भुजा विपरीत क्रम में। अब लोगों को लगेगा सर ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये भी ऊपर क्यों जा रहा है, एक ही क्रम तो, ऐसा नहीं, क्रम ये कहलाता है कि ओ से पी चला हमने, पी से क्यू चला तो क्यू से ओ चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं तो इसकी विपरीत दिशा में हो गया। यानी कुल मिलाकर के इसका जो मान आएगा, हमने कहा वेक्टर ऑफ ए को जोड़ा और वेक्टर ऑफ बी को जोड़ा तब उसका परिणामी वेक्टर ऑफ आर आ गया। यही है हमारे सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। तो थोड़ा सा यहां पर हम माना तो लिखेंगे कि माना ए और बी दो सदिश है ना, त्रिभुज के दो संलग्न भुजाओं के साथ, है ना, उसको हम कल्पना करते हैं। तब सदिश योग का त्रिभुज नियम क्या कहता है कि ओपी धन पी क्यू बराबर ओ क्यू, डायरेक्शन में विपरीत हो जाएगा परिणामी जो सदिश आएगा।
तो थोड़ा सा आप लोग लिख लेंगे तभी तो 2 से 3 नंबर मिलेगा कि माना दो सदिश ए और बी त्रिभुज ओपी के दो भुजा ओपी और पी क्यू से संलग्न है, ठीक है। तब ओ क्यू जो होगा सदिश के योग का परिणामी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तब इस प्रकार से मैं आपसे यहां पे कहूं कि इस प्रकार आपका हो जाएगा, क्या होगा बच्चों, ओपी वेक्टर ओपी धन पी क्यू बराबर आपका विपरीत हो जाएगा ओ क्यू के, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर आर। यही हमारे भैया सदिशों के योग का त्रिभुज नियम है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग तैयार कर लें। इसके परिणाम मतलब परिणामी सदिश कैपिटल आर का मान जो होता है वो इतना मान होता है, मैं आपको बता देता हूँ, कैपिटल आर का मान जो होता है एक्चुअल में वो ए के वर्ग प्लस बी के वर्ग प्लस 2ab कॉस थीटा के बराबर होता है। और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इसके लिए मैं अगला लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें परिणामी आर की दिशा मैं आपको बता दूंगा कैसे निकल कर आता है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, छोटा सा टॉपिक था ताकि आप लोगों से 2 नंबर क्वेश्चन आए तो आपसे बनना चाहिए। ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलते हैं वीडियो के साथ बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।